दुर्ग और भिलाई में बिल्डरों द्वारा गार्डन की जमीन को बेचने से लेकर ग्राहकों को कोई सुविधा नहीं दी जाने की शिकायत स्थानीय लोगों ने दुर्ग नगर निगम कमिश्नर को दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रसूख के चलते बिल्डर ग्राहकों को धमकी दे रहे हैं। इसके बाद ग्राम और नगर निवेश के संचालक मौके पर जाकर लोगों की शिकायत की जाँच की, जिसमें बिल्डर द्वारा बरती जा रही अनियमितता और मनमानी सामने आई है। इसके बाद निगम प्रशासन ने लैंडमार्क डेवलपर्स के आनंद विहार कॉलोनी में कार्रवाई की। 2017 में शिफ्ट हुए हैं, कुछ लोग और पहले से भी हुए हैं, कुछ बाद में हुए हैं, तो हम लोग को तो अपने उसमें एग्रीमेंट में उसने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं किया है ना। वो हम लोग पहले तो ट्रांसफार्मर है, फिर पानी है, फिर नाली है, बाउंड्री वॉल है, कुछ भी नहीं है ना। चलते में मेरे आने के बाद यहाँ मतलब पहले ही से ट्रांसफार्मर नहीं है, उसके कारण बिजली के कारण बहुत समस्या होती है। वन फेज में चलता है, बिजली उजली कितने पंखा उनका जल गया है, पानी नहीं है, नाली की समस्या है, और मतलब और जो हम लोग को वादा किया था कोई पूरा नहीं किया। बड़े पैमाने पर अनंत विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों में जो लैंडमार्क डेवलपर है उनके द्वारा जो वायलेशन किया गया है, सारे के सारे लगभग गार्डन को जो है अवैध तरीके से बेच दिया गया है, और जो पेंट हाउस जो बनाना रहता है 1/3 में उसके स्थान पर पूरा बना करके सेल आउट कर दिया गया है, बंधक प्लॉट को सेल आउट कर दिया गया है, फ्लैट में जो बंधक रहता है उसको सेल आउट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो बेधड़क तरीके से उसके द्वारा जो नियमों की अवहेलना की गई, सब निश्चित तौर पर फायर कराई गई।